देवराज। हम आंखों से दी छात्र को विदाई। कड़ी सुरक्षा, इंटरनेट बंद और स्कूलों में छुट्टी। उदयपुर में चाकूबाजी में घायल स्टूडेंट के इलाज के दौरान मौत के बाद आज उसका अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने नम आंखों से देवराज को विदाई दी। देवराज के पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को मुखाग्नि दी। इससे पहले अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की। पूरे एरिया में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। इससे पहले आज सुबह करीब 4:30 बजे शव को परिवार को सौंपा गया था। उदयपुर शहर में आज भी नेटबंदी रहेगी, स्कूल कॉलेज में छुट्टी रहेगी। समाज के नेताओं ने सभी से शांति की अपील की है। कोई भी वकील इसका केस ना लड़े और मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। बस मैं तो यही प्रशासन से ही मांग करता हूँ, पुलिस से यही मांग करता हूँ, बस मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और कोई भी वकील इसका केस ना लड़े। बस उदयपुर केस में अब तक क्या हुआ? झगड़े के बाद एक छात्र ने दूसरे को चाकू मारा। बुरी तरह से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर फैलते ही शहर में प्रदर्शन शुरू हो गए। अफवाहों पर लगाम लगाने को इंटरनेट सेवा रोकी गई। सरकार ने कार्रवाई करते हुए आरोपी का घर ध्वस्त किया। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। सोमवार को इलाज के दौरान घायल बच्चे की मौत। प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजे का ऐलान किया। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मंगलवार सुबह 8:30 बजे देवराज का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले सोमवार रात को स्टूडेंट के अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता चलती रही। 3 मांगों पर सहमति के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। इनमें 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और SC/ST एक्ट मामले में कार्रवाई की मांग शामिल है। बता दें कि 16 अगस्त को जब देवराज अपने सहपाठी के हाथों लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचा था, तभी से उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मौत की आवाज जब तब जोर पकड़ रही थी, जिम्मेदार शहर के बाशिंदों को आश्वस्त कर रहे थे। सरकार ने जयपुर और कोटा से देवराज के इलाज के लिए विशेष डॉक्टर भी भेजे थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी देवराज को नहीं बचाया जा सका।